नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपका रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक संपन्न, 6 प्रस्तावों पर लगी मोहर, अब राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 15 किलो राशन। कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी ने सीएम की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा सीएम व्यवस्थाओं का जायजा लेने की नहीं उठा रहे जहमत। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर प्रशासन सतर्क, अब तक 32 मामले आए सामने, अब पुलिस चलाएगी सर्विलांस प्रोग्राम। कोरोना संकट से निपटने को प्रशासन प्रसारित, सर्दी जुकाम की दवा लेने वालों पर प्रशासन की नजर, अब दवा लेने वालों को निगरानी में रखा जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज हुए 75 मुकदमे, 258 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गाइडलाइन जारी, एनटीसीए द्वारा जारी किए गई गाइडलाइन, कॉर्बेट पार्क में गश्त भी बढ़ा दी गई। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में कोरोना वायरस को लेकर 6 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि जमातियों के कारण उत्तराखंड में मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसको राज्य में कंट्रोल किया जा रहा है। तो बैठक में साफ तौर पर 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। त्रिवेंद्र कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक यहां संपन्न हुई और साफ तौर पर चर्चा की गई कि जो तबलीगी जमात के लोग थे उसको देखते हुए यहां संक्रमित मरीजों की संख्या जो है उसमें इजाफा हुआ। त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले, उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली को मंजूरी, राज्य में कोरोना की जांच को बढ़ाया जाएगा, राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, राज्य के राशन कार्ड धारकों को अब 15 किलो गेहूं चावल मिलेगा, 10,27,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा, राज्य के सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कटौती होगी, उत्तराखंड के सभी विधायकों की विधायक निधि में 1-1 करोड़ की कटौती होगी। सघन अभियान चलाया जाएगा और वो सारे लोग जो जिन क्षेत्रों में रहे आकर और जिनके संपर्क में है उन सब लोगों को क्वारंटीन किया गया है और कहीं भी हम लोगों ने कहा कि ऐसे अभी भी लोग यदि छिपे हुए हैं वो तत्काल नजदीक के अपने अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को सूचना भेजें और यदि कोई सूचना नहीं भेजता और पकड़ा जाता है तो उस रूप में उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। और इसी बीच देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य में आज 2 मरीजों में फिर हुई कोरोना की पुष्टि, हरिद्वार जनपद में हुई आज 2 लोगों में पुष्टि। आपको बता दें राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या जो है अब 33 हो गई है और 97 मरीजों की रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 5 मरीज जो है ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। विभाग की ओर से कुल 1403 मरीजों के भेजे जा चुके हैं सैंपल, 181 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से कोरोना वायरस को लेकर आपको बता रहे हैं, आज फिर 2 मरीजों में जो है कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, 181 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो बड़ी खबर आपको कोरोना वायरस को लेकर बता रहे हैं, कोरोना ब्रेकिंग। देहरादून से स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, राज्य में आज 2 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि, इस वक्त की बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर भी आपको देहरादून से बता देते हैं, लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस सख्त है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में कुल 75 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, 258 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अब तक कुल 1086 अभियोग और 4435 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें 13151 वाहनों का चालान काटा गया है और 60.51 लाख रुपए वसूला गया है, बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से लोग लॉकडाउन में उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगातार अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है, FIR भी दर्ज हो रही है, उनके वाहनों को सीज भी किया जा रहा है और उनसे आप जो है पैसे भी वसूले जा रहे हैं।
बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस सख्त हो गई है। प्रदेश में कुल 75 अभियुक्त पंजीकृत और 258 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। और अगली बड़ी खबर भी आपको देहरादून से ही बता देते हैं। कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसौनी ने उठाए सवाल। बड़ी खबर, पीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यप्रणाली पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिर्फ बैठक में तक सीमित हैं, अपनी बैठकों तक सीमित हैं, सीएम व्यवस्थाओं का जायजा लेने की नहीं उठा रहे हैं जहमत। ये कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं साफ तौर पर सीएम त्रिवेंद्र पर, त्रिवेंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता ने ये सवाल उठाए हैं। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि सीएम जो है वो अपनी बैठकों तक ही सीमित है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिर्फ बैठकों तक सीमित हैं, ये सवाल उठाए हैं कांग्रेस नेता ने। और क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुना देते हैं। देखिए आज बहुत ही शुद्ध होकर मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री तो कम से कम यदा कदा जनता के बीच में राहत कार्यों का जायजा लेते हुए दिख रहे हैं, सरकारी रसोइयों का मुआयना करते हुए उनकी हाइजीन को देखते हुए पाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ आवासीय बैठक तक सीमित हो गए हैं और केवल प्रशासनिक अधिकारियों के फीडबैक तक राहत कार्यों को उन्होंने सीमित कर दिया है। केवल जो फीडबैक अधिकारी उनको दे रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी आंख मूंद कर भरोसा कर ले रहे हैं। ना स्वास्थ्य विभाग का मुआयना, ना कोई पके पकाए भोजन की रसोई यहां पर संचालित हो रही है, उसका कोई प्रावधान किया जा रहा है। आखिर दिहाड़ी मजदूरों को, जरूरतमंदों को, गरीब जनता को किसके भरोसे सरकार ने छोड़ा हुआ है? सामाजिक संगठन अगर ना हो, अगर वो सामने ना आए और रसोइयां ना चल रही हों और लोगों के को दो जून की रोटी उनके द्वारा मुहैया ना कराई जा रही हो तो सरकार का क्या इंतजाम है, ये मैं जानना चाहूंगी। दूसरी ओर प्रभारी मंत्री पहले ही अपने अपने जिलों से बाहर नहीं निकलते थे, अपनी अपनी विधानसभाओं तक सीमित थे। आज आपदा की स्थिति है, आज इतनी आपातकालीन स्थिति में भी उनको प्रभार दिया गया है सिर्फ अपने अपने जिलों का, जो वो आरामदायक जीवन वहां व्यतीत कर रहे हैं। इस समय तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को चाहिए था कि वो मैदान पर उतरते और उन अपनी जनता की जरूरतों का ख्याल रखते हुए सरकार से उन चीजों को अपनी जनता को मुहैया कराते। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। अब तक 32 मामले उत्तराखंड में हो चुके हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और सतर्क होता नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने की माने तो उनका कहना है कि अब तक हमारी तरफ से सर्विलांस प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें हमारे जो पब्लिक गैदरिंग की जगह है, जैसे सब्जी की दुकान, राशन की दुकानें, इन सभी जगहों पर ऐसे लोग जिनको देखकर लगता है कि उनमें कोई कोरोना के लक्षण हो सकते हैं तो उनकी भी लिस्टिंग की जाएगी और उन्हें सर्विलांस किया जाएगा। हम बृहद लेवल पे अपना कम्युनिटी सर्विलांस प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें कि जो हमारे पब्लिक गैदरिंग के अभी की जगह हैं, जैसे सब्जी की दुकान है, राशन की दुकान है, इन सभी जगहों पर भी हम जो है वो ऐसे लोगों को सिम्टम अगर किसी को देख के लगते हैं तो उनको भी जो है उनकी भी लिस्टिंग करेंगे और उनका भी सर्विलांस इसमें शुरू करेंगे। कोरोना खतरे से निपटने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें अब ऐसे लोग जिनमें सर्दी जुकाम के लक्षण हैं उन पर भी प्रशासन की नजर है। अब मेडिकल स्टोर्स पर भी किसी को भी सर्दी जुकाम की दवाइयां बिना डॉक्टर के पर्चे दिखाए नहीं मिलेंगी। साथ ही ऐसे लोगों का नाम और पता मेडिकल स्टोर्स वाले प्रशासन को भी दिए जाएंगे। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स पर सर्दी जुकाम की दवाइयां लेने वालों पर प्रशासन की नजर होगी। ऐसे लोगों की सूचना मिलने पर उनको निगरानी में रखा जाएगा। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी, जैसे सब्जियों की दुकानें, राशन की दुकानें आदि पर भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। ये जारी किए गए हैं कि जो भी मेडिकल स्टोर्स पर सर्दी जुकाम की दवा बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं जारी की जाएगी, किसी को भी नहीं दी जाएगी। और ऐसे जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल नंबर और उनका नाम पता जो है वो नोट करके हमें दिया जाएगा, जिससे कि हम उनकी भी निगरानी कर सकें कि उनको ऐसे सिम्टम है तो वो नॉर्मल फ्लू है या कोई और बात है, जिससे कि हम और अच्छा इसमें जो है कंटेनमेंट कर पाएं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
न्यूज खबरों का सारथी। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर थाना परिसर में पुलिस और प्रशासन के साथ मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें आगामी त्यौहार शबे बारात को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर मुस्लिम युवा नेता मोहम्मद आलम ने कहा कि प्रशासन द्वारा आदेश मिलने के बाद ही त्यौहार मनाया जाएगा, इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और कानून का पूरा सम्मान करते हुए त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं SDM अवध प्रसाद वाजपेयी ने कहा कि शासन से जो आदेश पूरे जिले के लिए हैं उसी क्रम में भी त्यौहार मनाया जाएगा, अलग से कोई भी छूट किसी प्रकार की नहीं दी जा सकती। सभी जानते हैं इसमें लॉकडाउन चल रहा है और डूज एंड डोंट्स के बारे में सभी को पहले से पता है। रही बात त्यौहार की, तो सवे बारात को दृष्टिगत जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधि थे और मस्जिदों के लगाए उनसे चर्चा हुई है। कुछ उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, सब जैसे पाकिस्तान में जाने को लेकर काफ़ी जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनके समान, तो जो ये व्यवस्था होगी वो पूरे ज़िले के लिए एक समान होगी। तो ये जो इनपुट है हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शेयर करेंगे, जो भी निर्देश आएंगे तो हम सभी को कम्युनिकेट करते हैं। और डोईवाला के दो क्षेत्र केशवपुरी बस्ती राजीव नगर और मारखम ग्रांट ग्राम सभा के वाला क्षेत्र में जब से दो जमाती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तब से डोईवाला के दोनों क्षेत्र पूरी तरह से आवाजाही के लिए प्रतिबंधित है और पुलिस की कड़ी निगरानी में इन दोनों क्षेत्रों को रखा गया है। डोईवाला तहसील प्रशासन और कोतवाली पुलिस प्रशासन भी केशवपुरी बस्ती राजीव नगर और झबरावाला में रहने वालों को राशन सब्जी और गैस सिलेंडर और दवाई की सुविधा मोबाइल पर उपलब्ध कराकर यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि आप लोग घरों में रहो और लॉकडाउन का पालन करो ताकि कोरोना को मिटाया जा सके। डोईवाला के केशवपुरी बस्ती राजीव नगर और झबरावाला इन दिनों पूरी तरह से लॉकडाउन है, जिसका कारण है कि इन जगहों पर दो जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद से इन क्षेत्रों में किसी को बाहर जाने या फिर आने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन का डोईवाला से के न्यूज संवाददाता राजकुमार अग्रवाल ने पूरा जायजा लिया। डोईवाला में भी जब से दो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उसके बाद से पूरा प्रशासन बहुत ज़्यादा चौबंद है और मेरे पीछे ये देख सकते हैं ये केशवपुरी बस्ती है जिसे कि पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। कारण यही है कि यहाँ एक पॉजिटिव मरीज मिला था कोरोना का, उसको देखते हुए पूरी बस्ती को ठीक किया गया है। प्रतिबंधित हर व्यक्ति के लिए है, कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदर नहीं जा सकता और ना ही इस केशवपुरी बस्ती का व्यक्ति बाहर आ सकता है।
सिर्फ इसलिए कि ताकि ये कोरोना जो वायरस है उसकी रोकथाम हो सके। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए प्रशासन अब सख्त कदम उठा रहा है। पुलिस लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि आप लोग केशवपुरी बस्ती के अंदर ना जाएं और केशवपुरी बस्ती का व्यक्ति कोई भी बाहर ना जाए। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव जब से डोईवाला में मिले हैं तो डोईवाला की आव हवा में भी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि बेचैनी लोगों में आई है। राशन की सप्लाई यहाँ पर की जा रही है, अगर केशवपुरी बस्ती के अंदर हर तरह की सामग्री को पहुँचाया जा रहा है, डॉक्टर की सेवाएँ मोबाइल पर उपलब्ध हैं, तो तमाम तरह का एहतियात बरतने के निर्देश SDM भी दे चुके हैं। कोतवाल साहब लगातार यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस चारों ओर देखिए किस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, लोग साथ दें और सरकार की अपील पर ध्यान दें, घरों से बाहर ना निकलें। राजकुमार बराल, के न्यूज़, डोईवाला। और APL राशन कार्ड धारकों को अन्य श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के समान राशन उपलब्ध कराने और राशन न मिल पाने के कारण वंचित रह गए परिवारों को तत्काल चिन्हित कर उनके लिए राशन की व्यवस्था कराने और उज्ज्वला गैस योजना के तहत नगद राशि देकर निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष एवं सभासदों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक पत्र भेजा है। सभासदगण भी इसमें उपस्थित हैं। दरअसल जो है कि इस टाइम जो राशन वितरण की प्रणाली है उसमें जो है बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। हमने तीन बिंदुओं पर मुख्यमंत्री महोदय को जो है कि पत्र लिखा है और जिलाधिकारी महोदय को भी एक प्रतिलिपि भेजी है। एक तो APL कार्ड धारकों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्य श्रेणी में जो कार्ड धारक हैं उनके अनुसार ही उनको राशन मिले। दूसरा यह है कि हमारे शहर के अंदर जितने भी लोग निवास कर रहे हैं वर्तमान में, चाहे वो किसी प्रदेश के हों, किसी जिले के हों, या फिर विदेशी भी अगर हमारे यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने इस लॉकडाउन में हमारे सितारगंज नगर पालिका में शरण लिए, तो ऐसे रिफ्यूजियों को, ऐसे शरणार्थियों को भी राशन मिले। कोरोना संक्रमण को लेकर जनता लगातार सरकार का सहयोग करने को आगे आ रही है। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सरकार की आर्थिक मदद कर रहा है। इसी क्रम में सितारगंज के गांव डोहरा ने सहयोग स्वरूप प्रधानमंत्री राहत कोष में धनराशि दान की। आपको बता दें, ग्राम प्रधान डोहरा की पहल पर ग्राम सभा के लोगों ने 51,111 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश को सौंपा। मीडिया से बात करते हुए जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह राणा ने कहा कि वर्तमान समय में देश एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर किसी का कर्तव्य बनता है कि वह यथा योग्य सरकार की सहायता करे। ये COVID-19 के जो संग्राम चल रहा है, जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए और बिना संघर्ष कर रहे हैं कि हम इस महामारी को हरा सकें और हम जीत जाएं, इसके साथ इसी क्रम में लोगों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 लोगों ने 51,111 दिया है और ये बहुत सराहनीय कदम लोगों का, जनता का सहयोग इस तरह है और फिर भी मिलेगा उसको, हम 5 स्टार जो है साथ को हाथ लगा देंगे, उसको PM केयर फंड में दिया है, पहुँच जाएगा, पहुँच जाएगा। हम सभी लोगों ने मिलकर PM केयर्स के लिए चंदा इकट्ठा किया, ग्राम सभा द्वारा ने हमें पूरा सहयोग दिया है और ये इसकी कुल धनराशि 51,111 रुपये जो हमने आज SDM के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ। खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी लगातार जो है विकराल रूप धारण करता जा रहा है, उसी को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है। शासन प्रशासन लगातार लॉकडाउन का पालन किए जाने की लोगों से अपील कर रहा है। तो वहीं आगामी 9 अप्रैल को शब-ए-बारात आने वाली है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत के लिए घर से बाहर निकलते हैं और इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं। साथ ही कब्रिस्तान में जाकर सभी दुआएं मांगते हैं। इसको देखते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वह लॉकडाउन के चलते शब ए कदर अपने घरों में ही मनाएं और घरों के बाहर ना निकलें। मंगलौर शहर काजी मुफ्ती मासूम कासमी ने लोगों से अपील की है। इसमें कोरोना वायरस को लेके लॉकडाउन किया गया है, इसको देख के पहले भी हमारे धर्म गुरुओं और जो मुफ्ती साहब हैं, इन लोगों ने लोगों से अपील की और इसका काफ़ी यहाँ पर हमारे मंगलौर क्षेत्र में इसका असर देखने को मिला, क्योंकि पब्लिक हमारे धार्मिक गुरुओं की बातों को बड़े संजीदगी से सुनती है। इस बार भी मुफ्ती साहब ने कहा है जो सवे बारात है 9 तारीख को, उस दिन के लिए उन्होंने भी अपील की है, हमने भी अपील की है, इसको अपने अपने घरों में इबादत करें। उन्होंने भी कहा है ये तन्हाई में करने वाली इबादत है, लिहाजा अपने अपने घरों में रहें। जैसे हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और फ़र्ज़ नमाज़ें घर के अंदर अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है, लिहाजा इस रात में भी तमाम लोग अपने घरों में रहें, अपने घरों में ही रह कर के इबादत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज़ों का अहतमाम करें और अपने मुल्क के अंदर अमन अमान की दुआ करें। और सितारगंज क्षेत्र के गली मोहल्लों में किराए के मकानों में रहने वाले सिडकुल के कर्मचारियों और श्रमिकों का राशन कार्ड न होने के कारण सरकार द्वारा वितरित किया जाने वाला राशन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर रक्तदान समिति सितारगंज के पदाधिकारियों ने आपूर्ति निरीक्षक के विश्व से मुलाकात की। समिति के संयोजक राजीव गुप्ता ने कहा कि विभाग द्वारा वितरित किया जा रहा राशन क्षेत्र के राशन कार्ड विहीन लोगों को न मिलने से उनके सामने भूखे मरने की स्थिति आ खड़ी है। उन्होंने पूर्ति निरीक्षक से नगर में रह रहे प्रकार के सभी परिवारों को जो है सरकारी राशन उपलब्ध कराने की मांग भी की है। मेरे को द्वारा नाम लिखे गए थे कि जो लोग किराएदार हैं उनके नाम की एक सूची बनाई गई थी, प्रत्येक वार्ड मेंबर के लिए ये निश्चित किया गया था, ये एक सूची बनाई है, वो सूची बनी लेकिन उस सूची के द्वारा भी कोई कार्य धरातल पर मेरे को नज़र नहीं आया। तो मैंने उन लोगों से कहा भाई ये चीज़ तो गड़बड़ है, इस चीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो किराएदार लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, वो लोग भोजन कहाँ से करेंगे भाई फिर? तो आज मेरे को माननीय पूर्ति निरीक्षक जी के पास आना पड़ा। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान एक अच्छी खबर भी सामने आई है। कोसी रिवर में बहने वाला पानी अब 40% शुद्ध हो गया है। आपको बता दें कि जल संस्थान के वाटर क्वालिटी एंड टेस्टिंग मॉनिटरिंग लेबोरेटरी के एनालिस्ट राजेंद्र चंद्रा द्वारा बताया गया है कि इस लेबोरेटरी में पीने के पानी की मॉनिटरिंग और टेस्टिंग की जाती है, जिसमें रामनगर, जसपुर, काशीपुर, कोटबाग और अन्य शहरों के 50 से 60 पानी के सैंपलों पर हर सप्ताह बैक्टीरिया को लेकर कार्य करते हैं। पीने के पानी की शुद्धता को चेक किया जाता है। हमारी जो ये लेबोरेटरी है ये एक मॉनिटरिंग और एनालिसिस वाटर एनालिसिस पे काम करती है, जो ड्रिंकिंग वाटर है और जो ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स है, हम जो है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं 1050/2012 को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे 19 पैरामीटर पे हम जो है वाटर सैंपल देते हैं और हमारी जो है रेगुलर वर्किंग जो है जितने टारगेट हैं पर ईयर हमें जो है टारगेट हमारा जो है 700-800 के आसपास होता है। हम ये रामनगर हो गया, कोटाबाग हो गया, काशीपुर हो गया, जसपुर हो गया, सल्ट हो गया, ऐसे हमें टेस्टिंग करते हैं। और न्यूयॉर्क के जू में बाघिन में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में NTCA द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि कॉर्बेट पार्क में अगर कोरोना वायरस के लक्षण किसी भी अन्य जीव खासकर बाघों में पाए जाते हैं तो इसकी जानकारी NTCA को तुरंत दें। साथ ही कॉर्बेट पार्क में गश्त भी बढ़ा दी गई है और गश्ती दल वन्य जीव के नाक से तरल पदार्थ का बहना
सूखी खांसी इत्यादि लक्षण दिखाई देने पर इसकी तुरंत सूचना दें। कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 17 तारीख से ही बंद कर दिया गया था, जिससे यहां मानवीय गतिविधियां बिल्कुल बंद हैं। देखिए, अभी कोरोना वायरस के भागों में संक्रमण उनका कोई भी हमारे यहाँ पे भी ऐसा प्रकरण नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार की NTCA द्वारा जो है गाइडलाइंस उसमें जारी कर दी गई हैं कि किसी भी बाघ में अगर इस तरीके लक्षण दिखते हैं, जैसे उनके नाक से तरल बहना या सूखी खांसी या सांस लेने में दिक्कत, तो उसके लिए उसमें तुरंत NTCA को सूचित करना है ताकि उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। तो इसको देखते हुए 5 तारीख से 11 अप्रैल के बीच में कॉर्बेट में एक स्पेशल गश्त करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत पूरे क्षेत्रों में सभी बीटों में जो है गश्ती दल जा रहे हैं और इस तरह के किसी भी जानवर विशेषकर बाघों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।